आइए इससे पहले कि हम और चर्चा करें, हम जरा दिखाते हैं कि इस केस से जुड़े वकील ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। उम्मीद थी कि आज बेल पे ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन आ नहीं पाया। जज साहब ने क्या कहा? देखिए, जो जज साहब ने भी काफ़ी पेशेंस से हियरिंग की, लेकिन जिस तरीके के हमारे साइटेशन सबमिट हुए थे, राइवल सबमिशंस भी हुए थे, और जो जजमेंट्स वगैरह हमने सबमिट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट को भी वक्त लगता है ऑर्डर्स पास करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो छुट्टियाँ बीच में आ चुकी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये चीज़ों पर अफेक्ट कर रहा है। एसजी ने काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स रखे हैं और सबके बारे में कहा कि उनकी दलील एक ही जैसी है। व्हाट्सअप चैट्स का लगातार जिक्र कर रहे थे आर्यन खान का, क्या कह रहे थे व्हाट्सअप चैट्स के बारे में? जहाँ तक एएसजी के सबमिशंस की बात है, एएसजी ने सिर्फ आर्ग्यू किया है आरोपी नंबर एक और दो के खिलाफ। आरोपी नंबर तीन के खिलाफ उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय ये कि ड्रग्स रिकवरी हुई है, और ड्रग्स रिकवरी के बेसिस पे उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं है कि कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो इसीलिए मैं जहाँ तक इन मुनमुन दमेचा की बात है, तो उनका केस तो पूरा क्लियर है यहाँ पे। जहाँ तक आरोपी नंबर एक और दो की बात है, पूरा जो भी आज बहस हुई, आर्ग्यू हुई है, वो सारी की सारी उनके ही अगेंस्ट, उनके ही खिलाफ। सब चैट्स का जिक्र किया, क्या कहा उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स में, ऐसा क्या है कॉन्स्पिरेसी को लेकर भी उन्होंने कहा, ऐसा क्या कहा उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स और कॉन्स्पिरेसी को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स की बात है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ और आज भी ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि व्हाट्सएप चैट जो है, हम कभी किसी से कोई मजाक से बात करते हैं, कभी किसी ने अगर, जैसे कि अगर कोई इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो होश में नहीं है, तो मैं उसको अगर मैं मजाक से बोल दूँ कि गांजा मार के आया है क्या, और ये अगर व्हाट्सएप रिकॉर्ड पर रखे, तो गांजा अगर वर्ड यूज़ आ गया, तो क्या किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं क्या? तो व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर ये जो चीज़ लिंकअप हो रही है, वो टोटली गलत है, मैं ये सबमिट करूँगा। और बाज ने ये भी कहा था कि दे वर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, तो वो दे शब्द पर बड़ा फोकस किया एसजी ने। इससे लिंक स्थापित होता है कि आर्यन को पता था कि अरबाज ड्रग्स लेके जाने वाला है और दोनों इसका इस्तेमाल करने वाले थे क्रूज पे। अगर आर्यन ये बोले कि दे आर गोना हैव ब्लास्ट विद ड्रग्स, तो समझ में आता है ड्रग्स का मेंशन है। दे आर गोना हैव ब्लास्ट विद कोकेन, विद चरस, विद गांजा, विद वीड, व्हाटएवर इट इज, और हेरोइन, व्हाटएवर इट इज, दे गोना हैव ब्लास्ट। एक पार्टी में इंसान जा रहा, तो ब्लास्ट क्या एक नॉर्मल एक यूथ यूज करता है वर्ड, उसको आप ड्रग्स से कैसे रिलेट कर सकते हो? ये एक तरीके से सेटबैक है, मतलब आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज फैसला आ जाएगा और आज फैसला नहीं आ पाया। उम्मीद तो काफी थी, क्योंकि सुबह 12 बजे का हियरिंग रखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली एएसजी को भी थोड़ा आने में लेट हो गया, हियरिंग लेट स्टार्ट हुई है, और उनकी तरफ से भी काफी साइटेशंस पुट अप किए हुए थे अपेक्स कोर्ट के, तो इस चीज में काफी वक्त लगा, इसीलिए अभी 4:30 यहीं पे हो गया, तो कोर्ट को भी थोड़ा वक्त चाहिए ऑर्डर पूरा समझ के पास करने में। आइए एक बार फिर राजेश के पास चलते हैं। राजेश, दो तीन बातें हैं जो प्रमुखता से, जिस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातों को सामने रखें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप एम्स्टर्डम में हैं, अगर आप कैलिफोर्निया में हैं और वहां पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वहां आप घूमने गए हैं, तो वहां आप मारुआना या गांजा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर गैरकानूनी नहीं है। 2 ग्राम तक अगर आपके पोजेशन में है, तो वो गैरकानूनी नहीं है। विदेश में पढ़ाई कर रहे थे आर्यन खान, अगर उस संबंध में, अगर उस चैट का हवाला देकर भारत में उन्हें एक ड्रगची के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, तो इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, इसके इसके बाबत एनसीबी का अपना तर्क है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप चैट में हार्ड ड्रग्स की चर्चा है, हार्ड ड्रग्स की चर्चा है और बल्क क्वांटिटी की चर्चा है, यही वजह है कि वो व्हाट्सएप चैट का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं अमित देसाई कह रहे हैं कि वो विदेश में रह रहे थे और वहां पर लोगों से बातचीत किया, वहां कई सब्सटेंस जो है वो बैंड नहीं है। तो एनसीबी इस तर्क से उनके इस दलील को काट रही है कि हार्ड ड्रग्स का चर्चा है, बल्क क्वांटिटी का चर्चा है और बहुत ज्यादा ये चर्चा चल रही है, यही वजह है कि विदेश मंत्रालय को के बारे में जानकारी दी गई, उस शख्स को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है जिसके साथ ये व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।